अपने पैसे वापस मांगने को लेकर आरोपियों ने मारी गोली। मामला मगौरा थाने के अंतर्गत बाबा कडेरा सिंह स्कूल के पास का है, जहां गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद अजीत सिंह निवासी गांव फोडर थाना मगौरा गोवर्धन अपने दोस्त नंदकिशोर कुंतल के साथ समय करीब 8:30 बजे गोवर्धन से अपने गांव जा रहे थे। तभी बाबा कडेरा सिंह स्कूल के करीब 500 मीटर आगे मेरठिया निवासी अमित एवं पिंटू नामक व्यक्तियों ने गोली चला दी। गोली पीड़ित के पेट एवं पैर में लग गई। आरोपी गोली मारकर फरार हो गए। हम आपको बताते चले, अजीत सिंह ने मेरठिया निवासी अमित एवं पिंटू को नौकरी लगवाने के लिए 4 लाख रुपए दिए थे। नौकरी न लगने पर अजीत ने अपने पैसे मांगे तो पहले तो वह आजकल कर रहे थे, मगर आज जब गोवर्धन से परिक्रमा करके बाइक से घर जा रहे थे तो रास्ते में स्विफ्ट कार से 4 लोग सवार होकर पीछा करते हुए आए और बाइक पर जा रहे नंदकिशोर और अजीत के ऊपर गोली चला दी, जिससे पीछे बैठे अजीत को जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई, पर गोली कमर में लगकर पैर में लग गई और अजीत बाइक से नीचे गिर गया, जिसे देखकर नंदकिशोर में अल्लाह करके ग्रामीणों को बुलाया और 112 को सूचना दी, जहां से पहले एमकेडी कॉलेज भेजा गया, फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, फिर आगरा एसएम रेफर किया, लेकिन परिजन बिना बताए समय गवाए अजीत को शोभित हॉस्पिटल मथुरा भर्ती कराया गया। पूरी घटना की जानकारी पीड़ित अजीत व उसके दोस्त नंदकिशोर कुंतल ने मीडिया को दी। अब देखना यह है कि आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं। शुभ नाम भैया आपका? अजीत सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं आया था गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जी। पैसे का लेन देन था मेरा। किन से? जो जिसने गोली मारा। अच्छा, 4 लोग थे, 2 लोगों को तो पहचानता हूँ मैं। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गांव फोडर का रहने वाला हूँ। तो गिरिराज जी के दर्शन करके गांव लौट रहे थे? गांव लौट रहा था मैं। ओके, पहले तो मैं तीर्थ यात्रा करके आया था जी, केदारनाथ बद्रीनाथ। तो ये घटना कहाँ हुई और कैसे हुई, किन किन लोगों ने की है? ये घटना हुई है गोवर्धन से हम आ रहे थे, बाबा कडेरा कॉलेज निकल के 500 मीटर आ गई जी। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरा मित्र गाड़ी चला रहा था जी, वो जिन्होंने गोली मारी उनको मैं पहचानता हूँ दोनों को। क्या नाम है उनके? एक पिंटू है, एक अमित है। कहाँ के हैं वो? यहाँ के हैं, ये मेरठिया नगला पड़ता है यहाँ गोवर्धन के पास ही। अच्छा, तो कुछ पुरानी रंजिश या कोई लेन देन का? पैसे का लेन देन था। उनके पैसे हैं या आपके? नहीं, मेरा पैसा था। अच्छा, तो पैसा ना देने के कारण मारी है? हाँ, मैंने एक दो बार तक गया था पैसे तगादा करने को, उन लोगों ने खुंदक निकाला रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर कुंतल है। कहाँ के हो? मेरा गांव फाउंडर है। क्या घटना हुई है ये आप? और जिनके साथ घटना हुई है वो कौन है आपके? ये मेरे गांव के ही हैं, मेरे मित्र हैं जी, और आरएसएस में मेरे साथ वर्क भी करते हैं, हम आरएसएस के स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी हैं जी, दोनों ही भाई साहब। दरअसल में हम मथुरा ही, मैं मथुरा रहता हूँ लक्ष्मी नगर। कल हम दोनों की वार्तालाप हुई मोबाइल से कि गिरिराज जी के दर्शन करने चलना है, तो मैं भाई साहब के पास 11 बजे दिन में पहुँच गया। फिर धूप के कारण हम जो है शाम के टाइम हमने चुना के धूप को थोड़ा कम हो जाने दो, तो हम जो है गिरिराज जी पहुँच गए शाम को। वहाँ से हम दर्शन करके 1.5 घंटे मंदिर पे भी रुके। वहाँ से हम जब अपने गांव की तरफ आ रहे थे, मैंने भाई साहब को बोला कि मथुरा चलते हैं। भाई साहब बोले कि किसी को गांव में मुझे 500 रुपये देने, कोई हरिओम लड़का है नगला धाम से, उसको पैसे देते हुए हम जाजमपट्टी से फिर मथुरा चले चलेंगे। ठीक है, हम वहाँ से आ रहे थे तो हम बाबा कडेरा कॉलेज को क्रॉस भी कर गए थे, 500 मीटर आगे निकले, वहीं पे सफ़ेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी आती है, उसमें लाइट जली हुई थी और उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। हमारी साइड के दोनों शीशा उनके खुले हुए थे, उनके हाथों में तमंचा या पिस्टल जो भी हथियार होगा ढंग से नहीं देख पाया हूँ, तो उन्होंने 2 फायर किए थे जी। तो भाई साहब के 1 गोली लग जाती है, फिर मैं वहाँ पे, मेरे को ऐसा अंदाजा भी नहीं लगा कि गोली चली है या क्या है। जब ये मेरी बैग से नीचे गिर गए तो मैंने उनको उठाया तो ये खून में लथपथ हो गए थे, तो मैंने फौरन ही वहाँ पर चिल्लाना शुरू किया। एक नगला गांव बारी पड़ता है नज़दीक में, वहाँ के कुछ लोग आए, वो सभी मुझसे परिचित थे क्योंकि मैं जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका हूँ उस क्षेत्र से, तो सभी लोगों ने हमारी हेल्प की। फिर 100 नंबर गाड़ी आई, पुलिस का भी सहयोग हमें पूरा मिला, पुलिस भी तुरंत आई थी वहाँ। तो जिन्होंने गोली मारी उन्हें पहचानते हैं आप?
या स्विफ्ट गार्ड में? मैं उनको कभी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे सामने आएंगे तो एक को जो आगे बैठा था मैं उसको अच्छी तरह से पहचान लूंगा। अच्छा, जो आपके मित्र हैं ये तो पहचानते हैं उन्हें? हाँ, ये पहचानते हैं। इनका कोई BSF में नौकरी लगाने के संबंध में 3-4 साल पहले 4 लाख रुपए का लेन देन है। अच्छा जी, तो वो लोग कहाँ के हैं, कुछ पता है आपको? ये राधा कुंड रोड से गांव पड़ता है उनका, मेरठिया नगला है, वैसे मेरठिया बोलते हैं उनको, उदयपुरा कुछ ऐसा करके गांव है उनका। तो आपसे भी कोई हाथापाई वगैरह कोई? नहीं, कोई हाथापाई नहीं। वो गाड़ी जिनके गोली लगी है ये कहाँ के हैं? जिनकी गोली लगी वो मेरे गांव के ही हैं, मेरे पड़ोसी हैं, गांव फोंडर है, थाना मगुर्रा है। थाना मगुर्रा जी। कोई ज़्यादा इंजुरी कहाँ लगी है गोली? गोली इनके कमर पे लगी हुई है, पीछे से गोली मारी है, कमर को क्रॉस करते हुए वो जांग में लगी है गोली। कहाँ पे भर्ती है अभी? ये हॉस्पिटल का नाम सोवेत हॉस्पिटल है मथुरा। तो यहीं ले आए थे रात? नहीं, पहले हम ले गए KM मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ में थोड़ी असुविधा लगी, फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा उपचार सही तरीक़ा से नहीं हुआ, वहाँ से उन्होंने SN मेडिकल के लिए जो है रेफर कर दिया। तो हमने SN मेडिकल न जाने की बजाय हमने इस को सोवेत को चुना। अच्छा,